को तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं कर सकता है। वो चक्र जा करके गिरा नैमिषारण्य। आप लोग नैमिषारण्य कोई गए हो? कौन कौन नैमिषारण्य गए हो? कोई भी नहीं गए। बताओ कौन जाना चाहते हो? आप बताओ, सबको हम ले चलेंगे। हम लोग इतने बड़े हो गए, कम से कम भैया तीर्थ तो करनी चाहिए ना थोड़ा बहुत। देखो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो भारत में जन्म हुए। ये जो तीर्थ है ना, जो पवित्र स्थान पूरे भारत में हैं, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे चारिधाम केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री, कहाँ पर है ये सब के सब? श्री भारत में। हम लोग तो बड़े भाग्यवान जो कि भारत में जन्म हुए, और जहाँ पर सारे पवित्र नदी और पवित्र स्थान, जहाँ पर सारे को सारे बड़े भाग्यवान से। कम से कम विदेश से लोग आते हैं ये तीर्थ स्थान में, और आप लोग तो भारत में जन्म हुए हो, कम से कम जीवन में तो कुछ करनी चाहिए। हाँ देखो एक बात आपको बताता हूँ, ये जो ब्रजमंडल 84 क्रोस है ना, ये पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है ये 84 ब्रजमंडल में। एक समय श्री नंद बाबा जब कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, उन्होंने मनोत रखा था अगर मेरे घर में लाला की जन्म हो जाएगा मैं सारे तीर्थ करने जाऊंगा। अभी कृष्ण घर में जन्म हो गए, नंद बाबा बोले हमें तीर्थ करनी चाहिए। तब कृष्ण ने बोले बाबा कहाँ जाओगे? बोले सारे धाम को तीर्थ करने जाऊंगा, क्योंकि तू जन्म लेने से पहले मैंने मनोत रखा था। बोले बाबा तीर्थ तो सारे ब्रज में ही है, वृंदावन में सारे तीर्थ ब्रज में ही है। बोले कहाँ पर? बोले काम्य वन में। बोले चलो मेरे साथ में, वहां पर केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री है, वहां पर लक्ष्मण झूला मान सरोवर सबके सब ब्रजमंडल में। अगर कोई ये ब्रजमंडल 84 परिक्रमा कर लेता है ना, उसको सारे तीर्थ करना हो जाते हैं, सारे तीर्थ करना। आप लोगों ने 84 ब्रजमंडल परिक्रमा किए हो? 84 क्रोस की एक माता जी ने किए हो? एक बार आपने क्या 84 क्रोस की परिक्रमा? देखो हाँ सुना, इधर मन लगाकर सुना। जैसे उसको अगर कोई पैदल में करता है ना, उसको 1.5 महीना लगती है पैदल में। अगर कोई जैसे हमारे मंदिर से परिक्रमा निकलती है वो 1 महीना में पूरी करते हैं। लेकिन और एक उपाय है, अगर 7 दिन में ये पूरी हो जाती है, लेकिन 7 दिन में गाड़ी में जाना पड़ेगा। गाड़ी में अगर जाओगे, गाड़ी में बैठ कर 7 दिन में ये पूरी 7 दिन में परिक्रमा हो जाती है। इसलिए हम हमारी मंदिर से कुछ भक्तों लोग की इच्छा है जैसे 7 दिन में ये पूरी ब्रजमंडल परिक्रमा हो जाए, 7 दिन में वो व्यवस्था कर रहे हैं। अगर आप लोगों के मन में किसकी इच्छा हो हम 7 दिन में पूरी परिक्रमा करना चाहते हैं, हम लोग करवाएंगे। आप लोग चलोगे? कौन कौन जाएगा? हाथ में 7 दिन के अंदर में हो जाएगी, ठीक है। आप लोग को लास्ट में ना, लास्ट में ये बात आपको बता करके फिर आप लोग का नाम को नोट कर लेंगे, फिर हम लोग बोलेंगे कब ये 7 दिन में कब करेंगे, जब ज़्यादा गर्मी नहीं हो और ज़्यादा ठंडी नहीं हो, हैं, जहाँ आसान से कर सकते हो। हम लोग कथा के बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। इसलिए कहते वो चक्र जा करके गिरा नैमिषारण्य में, वहीं पर सौनकादि ऋषि लोग बैठ करके बड़े दिनों से यज्ञ कर रहे थे, लेकिन मन में उनको शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुतो गोस्वामी आए, तो उन्होंने सुतो गोस्वामी को आसन दे करके बैठाए। बैठा करके बोले हे सुतो गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से सारे वेद पुराण उपनिषद गुरु जी की कृपा से सब कुछ आपने प्राप्त किया है, आप कृपा करके बताओ ये कलयुग है, कलयुग में विशेष करके क्या है? बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य, सत्य युग में 1,00,000 साल जिंदा रहते थे। कितना जिंदा रहते थे? 1 साल। देखना 10,000 ए बच्चे सब बढ़िया, चुपचाप चुपचाप बैठो, इधर उधर घूमना नहीं तो नीचे भेज देंगे तुमको, चुपचाप बैठ जा। इसलिए पहले 1,00,000 साल जिंदा रहते थे, इसलिए 10, 10, 20, 20, 50, 60, 60,000 तपस्या करते थे। लेकिन सत्य युग गया, आ गया त्रेता युग, त्रेता युग में 10,000 हो गया। फिर जब द्वापर युग आया फिर हो गया 1,000, और जो कलयुग आ गया अभी 100 हो गया। कितना हो गया? 100। लेकिन जब घोर कलयुग आएगा ना, अभी तो 100 कोई जिंदा नहीं रहते, अभी 100 साल कोई जिंदा नहीं रहते हैं। क्यों? पहले जो खान पान है ना बड़ा अच्छा था, बढ़िया खान, अभी हाइब्रिड देकर सब चीज़ बनती है, इसलिए लोग ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते हैं।
अभी हम जिनको घर में रुके हैं ना, बाबा कितना उम्र है उनको, कब कभी 95 हो गया ना, 95 साल हो गए। क्यों? ये पुराना समय के है ना, बढ़िया बढ़िया खाए, बढ़िया दूध पिए, घी खाए, इसलिए थोड़ी सी टिके हैं, हैं? लेकिन जब घोर कलयुग आएगा ना, 100 से एक सुन हटा तो हो जाएगा 10, कलयुग में 10 साल लोग का हो जाएगा, ज्यादा साल जिंदा नहीं रहेंगे कलयुग में। इसलिए ये घोर कलयुग में अर्पायुष है। खैर कलयुग में बोले मंदा सुमंद मत हो, कलयुग में लोगों का जो मन है ना स्वाभाविक रूप में गलत चित्र में जाती है। देखो पहले ये टीवी नहीं होती थी, पहले ये इंटरनेट नहीं होता था, पहले ये मोबाइल स्मार्टफोन नहीं होता था, पहले ये कंप्यूटर नहीं होता था। इसलिए लोग पहले क्या करते थे, समय होते तो गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे। लेकिन अभी समय हो तो टीवी खोल के बढ़िया थे, और पहले एक चैनल अभी सारा दुनिया की चैनल हो गया। इसलिए लोग अभी फिर और जो स्मार्टफोन आ गया, ये तो बच्चों को पूरा बिगाड़ दिया, पूरा पूरा बच्चों को जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए कहते हैं घोर कलयुग में ये माया बड़ा प्रबल है, माया बड़ी प्रबल है, ये माया ये जीव को कैसे भजन नहीं करे, वो नई नई चीज निकालती है जैसे इनका समय बर्बाद हो जाए। फिर सुपद्रुता, सुपद्रुता मतलब अगर पत्नी अगर सत्संग में आती है, अगर थोड़ी सी भजन करे, पति पर बोले आई कौन सा बाबा के चक्कर में तू पड़ गए हो, ये सो माला कट्टी जब लगा दिया, अगर पति करे पत्नी भी बोलेगी, बच्चे करे पिता माता भी भजन करने नहीं देंगे। इसलिए कलयुग में बड़ा उपद्रव, कलयुग में भजन करना, आप कृपा करके बताओ ये कलयुग में जीव का कल्याण कैसे हो, जीव का उद्धार कैसे हो। तब उन्होंने 6 प्रश्न किया, और जो 6 प्रश्न का जो उत्तर है ना, ये पूरी भागवत है, ध्यान लगा कृष्ण, वो 6 प्रश्न किया है। बोले पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। देखो हम जीवन में जो कुछ करते हैं ना, शांति के लिए है ना, लिखना पढ़ना शादी शुदा सब शांति के लिए करते हैं। अगर हमारे पास में बहुत पैसा लेकिन शांति नहीं, वो पैसा की कोई महत्व नहीं। हमारे पास में बहुत दुकान मकान लेकिन ये शांति नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन अगर दो रोटी में, दो सूखे रोटी में अगर शांति मिलती है, ये सबसे बड़ी चीज। जगत ने अनमोल किया है शांति, जगत ने अनमोल वस्तु शांति। इसलिए लेकिन आप दुनिया में देखना, सामने एक समस्या, सोचते हैं भैया किसी तरह से एक समस्या दूर हो जाए शांति मिलेगी, लेकिन खुद देखना एक समस्या तो गई नहीं, सामने दूसरी समस्या खड़ी होगी। फिर सोचते हैं भैया किसी तरह से ये समस्या चले जाए सुख, लेकिन देखना वो समस्या नहीं तीसरी समस्या। जैसे हाथी दल दल में जाकर फंस जाती है, हम भी जिंदगी भर सुख सुख करते करते जीवन खत्म हो जाए। अब देखना हम जीवन में सुख किसको मांगते हैं, ध्यान देकर सुनो। हम सोचते हैं अगर ये समस्या दूर हो जाएगी तो शांति मिलेगी, अगर ये समस्या दूर होएगी तो शांति मिलेगी, ऐसे करते 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 देखना जिंदगी खत्म, जिंदगी समाप्त। 100 साल के हो गए, देखना 200 साल का प्लानिंग बनाकर बैठ गए। इसे इनका प्रश्न है भैया जीवन में शांति सुख कैसे मिलेगी, अभी हम इसका उत्तर सुनेंगे। दूसरी प्रश्न है कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। तीसरा प्रश्न है भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं उनके अवतारों की कथा सुनाओ। पंचमा प्रश्न है भगवान की अद्भुत जस की कथा सुनाओ। और छठवां प्रश्न है भगवान जब ये दुनिया छोड़कर गए अभी धर्म कलयुग में कहां पर आश्रय ग्रहण किया, उन्हें ये 6 प्रश्न की। ये प्रश्न सुन करके सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले क्यों, इनके जितने प्रश्न हैं कई इधर उधर के प्रश्न नहीं, केवल भगवत संबंधी प्रश्न हैं। संत तभी खुश होते हैं जब उनको कोई भगवान के बारे में पूछे, क्योंकि भगवत कथा में ही शांति, भगवत कथा में ही आनंद है। तो उन्होंने बोले प्रश्न तो तुमने बहुत अच्छी की, पहले मैं अपना गुरु जी को प्रणाम करके तुम्हारी प्रश्न को उत्तर देता हूँ। बोले बंदा हूँ।